हे रेखि शक्ति, रेखि ऊर्जा, मेरे दोनों हाथों में आकर मेरा उपचार शुरू करो और अपने सभी रेखि गुरुओं, गॉड गाइडेंस, जिसे भी आप भगवान मानते हैं, उनको अपने साथ रहने के लिए प्रार्थना करो। हे भगवान, मेरे साथ रहो, मुझे इस उपचार में गाइड करो, रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो। और अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपनी दोनों आँखों पर रखो और देखो आपके हाथों से सफेद रंग की पॉजिटिव रेखि ऊर्जा आपकी आँखों में जा रही है। ये ऊर्जा आपकी दोनों आँखों में जाके आपकी दोनों आँखों को स्वस्थ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। रेखि ऊर्जा के द्वारा आपकी दोनों आँखें बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही हैं, बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही हैं, बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही हैं। देखो ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी आँखों में अंदर तक जा रही है, आपकी आँखों की नसों तक जा रही है, उनको ओपन कर रही, हील कर रही, स्वस्थ कर रही। और मन ही मन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, रेखि शक्ति द्वारा मेरी दोनों आँखें स्वस्थ हो रही हैं, हेल्दी हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं। अब मुझे दूर का, पास का सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी को अपनी आँखों में जाता हुआ महसूस करो कि ये ऊर्जा किस प्रकार जा रही है, कैसी ऊर्जा जा रही है। क्या ये ऊर्जा गर्म है, क्या ये ऊर्जा ठंडी है, क्या ये सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है या कुछ और। सारा ध्यान अपने हाथों पे, अपने हाथों से निकलने वाली इस पॉजिटिव रोशनी पे। देखो ये रेखि ऊर्जा शक्तिशाली ईश्वरीय रेखि ऊर्जा आपकी दोनों आँखों को स्वस्थ कर रही है और मन ही मन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ। और अपने दाएं हाथ की हथेली को उठाकर अपने दाएं कान पर रखें तथा अपने बाएं हाथ की हथेली को उठाकर बाएं कान पर रखें। एक एक करके उठाएं और देखें आपके हाथों से पॉजिटिव शक्तिशाली रेखि ऊर्जा आपके दोनों कानों में जा रही है, आपके हाथों से सफेद रंग की पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है। ये ऊर्जा आपके कानों में जाके आपके दोनों कानों को बिल्कुल स्वस्थ कर रही है, हेल्दी कर रही है, बैलेंस कर रही है। इस ऊर्जा को महसूस करो अपने कानों में अंदर तक जाता हुआ। इस ऊर्जा से आपकी सुनने की शक्ति अच्छी हो रही है। अब आप दूर का और पास का बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं। सारा ध्यान हाथों पर, हाथों से निकलने वाली ऊर्जा पर। देखो किस प्रकार की ऊर्जा निकल रही है, क्या ये ऊर्जा गर्म है, क्या आपके हाथों से ठंडी ऊर्जा कानों में जा रही है,
क्या ये सेंसेशन है या वाइब्रेशन है। ध्यान दो, सारा ध्यान हाथों पर, हाथों से निकलने वाली ऊर्जा पर। और अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने दाएं जबड़े पर जौ पर रखें तथा बाएं हाथ की हथेली को बाएं जबड़े पर बाएं जौ पर रखें। तो देखें आपके हाथों से सफेद पॉजिटिव पावरफुल हीलिंग ऊर्जा आपके दोनों जबड़ों पर जा रही है, आपके जबड़ों को स्वस्थ कर रही है। देखें सफेद रंग की ऊर्जा से आपके जबड़े बिल्कुल हेल्दी बैलेंस नॉर्मल होते जा रहे हैं। सारा ध्यान हाथों पर, हाथों से निकलने वाली ऊर्जा पर। देखो किस प्रकार की ऊर्जा निकल रही है, महसूस करो क्या ये ऊर्जा ठंडी है, गर्म है, सेंसेशन है, वाइब्रेशन है या कुछ और। सारा ध्यान हाथों पर, हाथों से निकलती हुई सफेद रोशनी पर, रेखी ऊर्जा। और अब अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने दाएं कलपट्टी पर रखें, टेंपल एरिया पर, ब्रेन के पास, और बाएं हाथ की हथेली को बाएं कलपट्टी पर, बाएं टेंपल एरिया पर रखें। देखें आपके दोनों हाथों से पॉजिटिव वाइट रंग की रेखी ऊर्जा आपके दिमाग में जा रही है। ये पॉजिटिव ऊर्जा आपके दिमाग में जाके आपके दिमाग को बिल्कुल हेल्दी बैलेंस नॉर्मल और पॉजिटिव करती जा रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे दिमाग में फैलती जा रही है। आपका पूरा दिमाग इस रोशनी से बिल्कुल वाइट हो गया, चमकता। ये रोशनी आपके दिमाग को बिल्कुल स्वस्थ कर रही है, बिल्कुल स्वस्थ। और मन ही मन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाएं, मेरा दिमाग रेखी शक्ति के द्वारा बिल्कुल हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती जा रही है, मेरे सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो रही है, मेरी याददाश्त अच्छी हो रही है, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं सभी को प्यार करता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ।
अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ सिर के पीछे ले जाएं, बैक ऑफ द हेड, और बाएं हाथ को बाएं तरफ सर के पीछे ले जाएं, बैक ऑफ द हेड, और देखें आपके हाथों से सफेद रंग की रोशनी निकल रही है और आपके पूरे दिमाग में बैक साइड फैलती जा रही है, जिससे आपका दिमाग और ज़्यादा शक्तिशाली, हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। सारा ध्यान हाथों पर, हाथों से निकलने वाली ऊर्जा पर। देखो किस प्रकार की ऊर्जा आपके दिमाग में जा रही है और मन ही मन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाइए। जो भी आप चाहते हैं अपने बारे में, वो वैसी एनर्जी अपने दिमाग में भेजते जाइए। रेकी द्वारा मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरा माइंड बिल्कुल शांत, बैलेंस होता जा रहा है। अपने सीधे हाथ को अपने माथे पर आगे ले आइए, जहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, अजना चक्र है। अपनी हथेली को अपने अजना चक्र पे रखें और अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ अपने अजना चक्र पे रखिए। दोनों हाथ आपके अजना चक्र पर, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, लिमिस बिंदी लगाती है, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे की तरफ। अपने आज्ञा चक्र को अपने दोनों हाथों से हीलिंग करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे। देखो आपके हाथों से पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है, आपके चक्रा को बिल्कुल हील कर रही है, स्वस्थ कर रही है। देखो किस प्रकार की ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, महसूस करो। ये ऊर्जा गर्म है, ठंडी है, सेंसेशन है, वाइब्रेशन है या कुछ और। मन ही मन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाइए। आपका आज्ञा चक्र भी आपके दिमाग से ही कनेक्ट करता है। आज्ञा चक्र पे हीलिंग करने से भी आपका दिमाग और ज़्यादा हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता है। आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है और आपको हजारों लाभ होते हैं। और अपने एक हाथ को अपने थ्रॉट पर, अपने गले पर आगे की तरफ ले जाओ और दूसरे हाथ को गले पर पीछे की तरफ। अपने दोनों हाथ गले पर आगे और पीछे रखेंगे और अपने गले की हीलिंग करेंगे। देखेंगे आपके हाथों से
सफेद पॉजिटिव हीलिंग ऊर्जा आपके थ्रॉट चक्र आपके गले पर जा रही है। ये ऊर्जा आपके गले को बिल्कुल स्वस्थ कर रही है, बैलेंस कर रही है, नॉर्मल कर रही है। देखो किस प्रकार की ऊर्जा आपके गले में जा रही है। क्या ये ऊर्जा गर्म है, ठंडी है, सेंसेशन है, वाइब्रेशन है या कुछ और? मन ही मन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाइए, मेरा थॉट चक्र हेल्दी हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मेरा थायराइड बिल्कुल बैलेंस हो गया है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा हूँ, शक्तिशाली हो रहा हूँ, एनर्जेटिक हो रहा हूँ। थ्रॉट चक्र पे हीलिंग करने से आपकी थायराइड की समस्या ठीक हो जाती है, आपकी श्वास की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम ये भी ठीक होती है, आपकी आवाज़ ठीक होती है और भी बहुत से फायदे होते हैं थ्रॉट चक्र पे हीलिंग करने से। और अब अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने हार्ट चक्र पर बड़े प्यार से रखें और अपने बाएं हाथ की हथेली को मणिपुर चक्र पर, दाया हाथ आपके हृदय चक्र पर और बाएं हाथ आपके सोलर चक्र पर। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है? ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरी रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा ऑरा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। अब अपने एक हाथ को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर रखो और दूसरे हाथ को धीरे धीरे मूलाधार चक्र पर रखो। एक हाथ सेक्रल चक्र पर और दूसरा हाथ रूट चक्र पर। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है।
ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा ऑरा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले आइए, अपने सीधे हाथ को आप अपने राइट साइड छाती पर रखेंगे और उल्टे हाथ को लेफ्ट साइड छाती, दोनों हाथ दोनों चेस्ट पर। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा ऑरा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अब अपने हाथों को थोड़ा नीचे लेके आएंगे, अपने
सीधे हाथ को अपने राइट साइड जिगर पर रखेंगे और उल्टे हाथ को उसके ठीक सामने तिल्ली पर, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, सीधा हाथ लीवर पर, उल्टा हाथ उसके सामने स्प्लीन पर। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहां कहां सबसे ज्यादा जा रही है और कहां कहां सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा आरा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अपने हाथों को थोड़ा और नीचे लेके आएंगे, अपनी आंतों के ऊपर, सीधे हाथ को राइट साइड स्टमक पर, उल्टे हाथ को लेफ्ट साइड स्टमक पर, दोनों हाथ दोनों पेट पर, आंतों के ऊपर। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है,
क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रीति ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा आरा बॉडी चक्रा और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अपने दोनों हाथों को थोड़ा और नीचे लेके जाएंगे, अपनी जांघों के जोड़ों पर, सीधे हाथों राइट साइड जोड़ पर, लेफ्ट हाथों लेफ्ट साइड जोड़ पर, दोनों हाथ दोनों लेग्स के जॉइंट्स पर कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेखी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रीति ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा आरा बॉडी चक्रा और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ।
धीरे धीरे और नीचे ले जाएंगे अपने हाथ को, दाएं हाथ को दाएं जांघ पर रखेंगे, बाएं हाथ को बाएं जांघ पर, आपके दोनों हाथ आपकी दोनों थाइस पर होंगे। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाता है, आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा ऑरा बॉडी चक्रा और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अब अपने हाथों को थोड़ा और आगे ले जाएंगे, अपने सीधे हाथ को राइट साइड घुटने पर, दाएं घुटने पर, उल्टे हाथ को लेफ्ट साइड घुटने पर, बाएं घुटने पर, दोनों हाथ दोनों नी के ऊपर। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा पारा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। धीरे धीरे हाथों को और नीचे ले जाएंगे, और अपने सीधे हाथ को राइट साइड
पिंडलियों पर रखेंगे और लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड पिंडली पर, दाया हाथ दाई पिंडली पर, बाया हाथ बाई पिंडली पर। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जा रहा है, आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा आरा बॉडी चक्रा और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा आरा बॉडी चक्रा और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और आगे
अब पैरों के तलों की ग्रीन करेंगे, धीरे धीरे दाएं हाथ की हथेली को दाएं पैर के तले पर रखें और बाएं हाथ की हथेली को बाएं तले पर रखें। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा पारा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अब ऊपर आ जाएंगे अपने कंधों की तरफ, अपने दोनों कंधों की गिरिंग करेंगे शोल्डर्स की, अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं कंधे पर रखें और बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे पर रखें। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा आरा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। करेंगे आर्म्स की हिलिंग, दाएं हाथ की हथेली को
बाईं बाजू पर रखूं और बाईं हाथ की हथेली को दाईं बाजू पर रखूं। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह संश्लेषण वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा पारा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह संश्लेषण वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा पारा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अपनी पीठ की हीलिंग करेंगे, अपनी बैक की, अपने दाएं हाथ की हथेली को दाएं पीठ पर रखें और बाएं हाथ की हथेली को बाएं पीठ। कल्पना में देखें आपके हाथों से
पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहां कहां सबसे ज्यादा जा रही है और कहां कहां सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा ऑरा बॉडी चक्रा और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अब अपनी गुर्दों की हीलिंग करेंगे, किडनी की हीलिंग। अपने दाई हथेली को थोड़ा नीचे दाई किडनी पर रखें और बाई हथेली को उसके ठीक सामने बाई किडनी पर रखें। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहां कहां सबसे ज्यादा जा रही है और कहां कहां सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखी ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा ऑरा बॉडी चक्रा और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। और अब थोड़ा और नीचे अपनी कमर की लोअर बैक की हीलिंग करेंगे, कमर के नीचे की दाईं हथेली को थोड़ा और नीचे कमर के निचले भाग पर रखें, बाईं हथेली को उसके ठीक सामने कमर के निचले भाग पर रखें और हीलिंग करें। कल्पना में देखें आपके हाथों से पावरफुल रेकी ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको स्वस्थ कर रही है। ये ऊर्जा अंदर तक जाकर
आपके शरीर की नसों नाड़ियों को खोलकर आपको स्वस्थ कर रही है। देखो ये ऊर्जा किस प्रकार की है, क्या यह ऊर्जा गर्म है, क्या यह ऊर्जा ठंडी है, क्या यह सेंसेशन वाली ऊर्जा है या वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। ध्यान दो कैसी ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और ध्यान दो ये ऊर्जा शरीर में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है और कहाँ कहाँ सबसे कम जा रही है। और साथ ही साथ मन ही मन अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते जाओ, जैसे ईश्वरीय रेखा की ऊर्जा द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तन मन धन तंदुरुस्त होता जा रहा है, अब मेरा ऑरा बॉडी चक्र और शक्तिशाली हो रहा है, मैं अपने दिल दिमाग और आत्मा से शुद्ध होता जा रहा हूँ, अब मैं अपने सारे काम और अच्छी तरह पहले से बेहतर करता हूँ। आपकी 24 बॉडी पार्ट्स 24 भागों की हीलिंग हो चुकी है। इसके बाद आप अपने लोकल पार्ट की हीलिंग कर सकते हैं, समस्या वाला भाग, और अब सारा ध्यान अपने समस्या वाले भाग पर ले जाएं और अपने दोनों हाथों को समस्या वाले भाग पर रखें और अच्छी तरह 5 से 10 मिनट अपने समस्या वाले भाग पर अच्छी तरह हीलिंग करें।
अंत में रेखि शक्ति से प्रार्थना करते हुए कही, हे ईश्वरीय रेखि शक्ति, मेरे शरीर पर यहीं स्थापित हो और मेरा उपचार कर, मेरे शरीर पर यहीं स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। दोनों हाथ जोड़कर रेखि शक्ति का धन्यवाद करें, अपने रेखि गुरुओं का धन्यवाद करें, अपने भगवान गुरु गॉड गाइडेंस का सभी का धन्यवाद करें। इस उपचार में मदद करने वाली हर वस्तु और हर इंसान का धन्यवाद करें।